हाय फ्रेंड्स, मैं हूं काजल राघवानी और आप देख रहे हैं खट्टी मीठी बातें विद काजल राघवानी। सो मेरे क्वेश्चंस तो रेडी है, और क्या आपके सुपरस्टार केसारी लाल यादव, खेसारी जी, रेडी है मेरे क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए? उनको ज्वाइन करते हैं थोड़ी देर में, 2 मिनट में मैं उनको ज्वाइन करूंगी। और राइनो, आप बहुत बेसब्री से वेट कर रहे हैं कल से, जब से आप सबको पता चला है कि केसारी जी के साथ मैं फर्स्ट लाइव आ रही हूँ और उनका इंटरव्यू होने वाला, इंटरव्यू नहीं कहेंगे, ये फन है, एक एंटरटेनमेंट होगा और बहुत सारे क्वेश्चंस रैपिड फायर, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो आपको बताएंगे, सच या झूठ क्या है क्या नहीं वो आप बताएंगे। आप अपने भी क्वेश्चंस मुझे दे सकते हैं, अगर मुझे जो भी क्वेश्चन अच्छा लगा तो मैं उनसे वो ज़रूर पूछूंगी। ऑफ कोर्स खेसारी जी सिंगर है, राइटर है, स्टोरी भी लिखते हैं वो, एंड एक्टिंग भी करते हैं, और बहुत ही अच्छे इंसान हैं और एंटरटेनमेंट के बादशाह है हमारे भोजपुर इंडस्ट्री में। चलो उनको लाइन में लेते हैं अभी, लेकिन 2:02 बाकी है तो हम उनको 2 मिनट का टाइम देते हैं ताकि वो अपने पता नहीं कितनी मशक्कत में वो भी होंगे कि क्या होगा, क्वेश्चंस क्या होंगे और मैं क्या आंसर करूँगा। सो लेट्स सी क्या होता है। ऐसे अभी कोरोना चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना है वायरस, जो आप सबको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगी कि आप अपने घर में हैं और लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। हम घर में रहेंगे तो हम सेफ रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे। ज़रूर ज़रूर आप सबके क्वेश्चंस जो भी अच्छे होंगे, जो एकदम मज़ेदार क्वेश्चन मुझे लगेगा तो मैं उनको ज़रूर पूछूंगी, और बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं, लाइक सिर्फ इंडस्ट्री को लेके नहीं, उनके पर्सनल वे में भी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, बहुत पर्सनल नहीं होगा बट फनी जो भी चीज़ें होंगी ज़रूर होगा। हेलो एवरीवन, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप सब कैसे हैं? थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। चलो मैं अभी केसारी जी को लाइव लेने लेती हूँ। मैं उनको लाइव लेने जा रही हूँ। सो 2 सेकेंड। अभी वो लाइव नहीं हो पा रहे हैं। सो मैं जस्ट अ सेकेंड। डोंट वरी, बहुत सारे फनी क्वेश्चंस होंगे और आप बहुत एंजॉय करने वाले हो इस गेम को। मैंने अपनी लिस्ट बना चुकी हूँ और मुझे मेरे फैंस और मेरे एक दोस्त, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। हम लोग ने बहुत फनी क्वेश्चंस उनके लिए निकाले हैं ढूंढ के। उनका नाम यहाँ पे आ नहीं रहा है, वेट मैं उनको कॉल करके ही पूछती हूँ।
वो आपको लाइव दिख रहा है? ओके, देखो मैं उनको इनवाइट कर रही हूँ कि भाई लाइव, भाई सब लाइव आइए। ओके, तो मैं इसमें से आपको रिक्वेस्ट तो जा नहीं रही है। अच्छा, एक 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 कुछ भी क्वेश्चन करिएगा मैसेज। हाँ, गया गया, आया। हेलो। वेलकम टू माय शो खट्टी मीठी बातें विद राजू रखवाली। सो यहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने वाले हैं, और हमारे फैंस भी जो है बहुत दिनों से मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैं आपके साथ लाइव आऊँ और हमें साथ में देखना चाहते थे। तो उन सब के लिए, उन सबकी तरफ से सो मच लाइव आए। और आप मुझे बताइए, आपका लॉकडाउन में टाइम कैसे जा रहा है? अभी सैड है यार, लॉकडाउन में बहुत सैड है, इसलिए क्योंकि आज विशाखापट्टनम में भी बहुत सारे एक फैक्ट्री में गैस लीक हो गया है, और वहाँ हमारे उत्तर भारतीय या हमारे देश के लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बिहार यूपी के लोग भी बहुत काम करते हैं, तो मैं उनके स्वास्थ्य के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो स्वस्थ रहे। और जरूर जरूर, तो बस हम खट्टी मीठी यही बातें, खट्टी मीठी बातें तो आपसे कर ही लेंगे हम, बट थोड़ा सा मायूस हैं हम लोग, क्योंकि हमारे फैन ही अगर खुश नहीं रहेंगे, जिंदा नहीं रहेंगे, तो हम किसके लिए काम करेंगे। और ठीक है, जी जरूर, हम प्रे करेंगे। हम लोग नहीं, सारे लोग प्रे कर रहे कि हमारे जितने भी फैंस थे, जहां जहां फंसे हुए हैं, जो भी लोग फंसे हुए हैं, तो वो सारे सुरक्षित रहे और अपने अपने घर पहुंच जाए और ये कोरोना जल्दी से जल्दी खत्म हो। आप अभी बिग बॉस में से आए थे कुछ दिन पहले, और वहां भी आप 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन में ही, समझ लीजिए कि लॉकडाउन में थे। तो वहां पे तो फोन भी नहीं था, टीवी भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो आपको वहां और यहाँ पे कितना फर्क लग रहा है? वहां से बेटर है घर पे, कम से कम अब अपने अपने फैमिली के साथ हैं, टीवी के साथ हैं, बच्चों के साथ हैं, अपने लोगों से बात हो जाती है, लोगों से हाय हेलो हो जाती है, कभी फोन पे बात कर लिया करते हैं, सबसे कहीं ना कहीं कनेक्ट रहता है आदमी, तो उससे तो ज्यादा है। यहाँ रोटी के लिए झगड़ा नहीं होता, यहाँ गरम गरम रोटी मिलती है, वहां रोटी के सही लिए बात। झगड़ा होता था, वहां प्याज के लिए लड़ा नहीं जाता है, वहां प्याज के लिए लड़ते थे सब, मिर्चा के लिए लड़ते थे, तो यहाँ बेटर है उस बिग बॉस से, तो ये बिग बॉस बेटर है। लॉकडाउन में भी तो ऐसी हालत है कि हमें सब्जियां नहीं मिल रही है और बहुत सारी चीजें हम नहीं ले जा पा रहे, बिकॉज दुकानें बंद है, सारी चीजें बंद है, पूरा इंडिया ही बंद है। पूरा देश ही बंद है एक्चुअली, कहा जाए तो हर जगह लॉकडाउन है। सोच लीजिए कि 4 दिन तो मैं सतुआ खाया हूँ, 4 दिन लगातार सतुआ खाया, ताकि क्योंकि सब्जी का प्रॉब्लम था तो सब्जी आ नहीं रहा था, तो दाल दाल ही एक था, जो मैं गांव से हमेशा दाल लेके आता हूँ, अरहर का दाल लेके आता हूँ, तो वही था, तो उसी में अरहर के दाल और रोटी खाते थे 4 दिन लगातार, क्योंकि सब्जी का बड़ा प्रॉब्लम था, यहाँ मिल ही नहीं रहा था, पूरे लॉकडाउन में ब्लॉकेज था और लाइन लगा लगाना बड़ा कठिन था मेरे लिए, तो बहुत मुश्किल हो रही थी मेरे लिए, तो अब तो बिल्डिंग में ही आ जाता है। वो तो है, बट अभी बहुत सारी चीजें स्टार्ट होने लगी है, कई दुकानें स्टार्ट हो रही है, सब कुछ दिन वाइज स्टार्ट हो रहा है। अभी हम अपना रैपिड फायर राउंड स्टार्ट करते हैं, जो कि मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, आपको उसके फटाफट जवाब देना है, ठीक ओके ओके है? तो कभी मूवी देखते देखते आप सो गए हो थिएटर में? आप कभी थिएटर में मूवी देखने जब गए हो, तब आप देखते देखते सो गए हो? एक्चुअली थिएटर में मूवी देखने बहुत कम जाता हूँ मैं, तो सोने का चांस कम रहता है, क्योंकि घर पे ही टाइम नहीं होता मिलता है है। लोग,
किसी मूवी को किसी की स्टोरी इतनी पकाऊ टाइप की होती है कि नींद आ जाती है। मैं बहुत बार सो चुकी हूँ ऐसे, तो नहीं वैसे नहीं नहीं। एक्चुअली मैं दिल से देखने जाता हूँ किसी भी चीज को। और अगर कोई भी मूवी हो, बड़ा मेहनत से बनता है ना, तो मूवी चाहे वो जैसा भी हो, एक बार उसको एंजॉय करना चाहिए। क्या गलत है क्या सही है, हम किसी को बीच में सो के और देख के और ऐसे जज नहीं कर सकते कि वो मूवी गलत थी या सही थी। इसीलिए मैं आपके एंजॉय फैंस करता पूछ हूँ। रहे हैं, आपके फैंस पूछ रहे हैं आप कैसे हैं। बहुत अच्छे हैं, बस आप लोग के प्यार में जी रहे हैं। बस यही कामना करते हैं कि लॉकडाउन जल्दी खत्म हो जाए, ताकि हम एक दूसरे से जल्दी मिलें और एक दूसरे के लिए अच्छे अच्छे गाने गाएं, आप सबके लिए अच्छे अच्छे सिनेमा करें। बस यही जल्दी कामना काम करते हैं। करें, जल्दी मूवी स्टार्ट करें और शूट जल्दी स्टार्ट हो जाए और हम आप सबके बीच में आए, हाँ, राइट। हमारा और आपका एक सिनेमा भी है जो कि सैयारा आपका गुलियाना वॉइस भी कम है। आ रहा है। हमारा और आपका एक सिनेमा भी है सैयारा गुलियाना, तो लॉकडाउन खत्म होगा तभी वो रिलीज हो पाएगा। उसके बाद बलमुआ कैसे ओके, तेजब, बलमुआ कैसे तेजब सेकंड है, और उसके बाद क्वेश्चन, आपकी वॉइस कम आ रही है। बताइए अब आ रही है। शूट पे, आप शूट पे कभी ये सोच के जाते हो कि मैं तो हीरो हूँ, मैं थोड़ा लेट भी जाऊंगा तो चलेगा, स्टारडम दिखाते हो? नहीं आया आज तक ऐसा, क्योंकि मेरे पास स्टारडम आया ही नहीं। मैं तो अपने पर्दे पे स्टार हूँ, हो सकता है लोगों की नजर में, बट अपने रियल जिंदगी में कभी स्टारडम नहीं दिखाया। और शूट पे मैं लेट आता हूँ नहीं आता हूँ, ये मुझसे नहीं, आप लोगों से पूछिएगा तो मेरी खूबियां बताएंगे। शायद मैं उतना नहीं बता पाऊंगा कि मैं कितना टाइमली हूँ नहीं हूँ, लेकिन जिनके साथ मैंने काम किया है शायद वो जरूर बताएंगे। और मीडिया में तो कहीं ना कहीं चीजें पता चलती है कि हाँ मैं लेट आता हूँ कि टाइम से आता हूँ। इवन आई नो आप बहुत मेहनती हैं और आप हमेशा टाइम पर आते हैं, बिकॉज मैंने आपके साथ वर्क किया है। थर्ड क्वेश्चन, कभी हीरो बनने के बाद दुकान से कोई चीजें चुराई हीरो बनने के बाद मैं दुकान पे गया ही नहीं हूं। है? अरे बहुत फनी कभी तो गए होंगे। अच्छा बताओ, अब चुराने की जरूरत है? अगर हम वो चीज ले लेंगे तो ऐसे ही लोग दे देंगे यार। ऐसे ही फन के लिए। ओके अच्छा, कभी स्टार बनने का फायदा उठाया? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ, क्योंकि फायदा उठाने के लिए जगह होनी चाहिए, जमीन होनी चाहिए। और मेरी जगह जो है वो पर्दा है, मेरी जमीन जो है वो मूवी है, मेरी सिंगिंग है, तो उसमें स्टारडम का फायदा क्या उठाना है, बस इंसान काम कर दे। जैसे होता है ना कि मीन्स आदत होती है इंसानों की, कभी कहीं भी जाता है तो डिस्काउंट के लिए थोड़ा बहुत होता है कि हाँ डिस्काउंट तो हमें क्यों नहीं दे रहे हो आप, ऐसा वैसा जो भी, जिससे हमें लगता देखिए है कि नहीं बात, उसका प्राइस काजल इतना ही जी होना चाहिए, उसका प्राइस इतना ही होना चाहिए, उससे नहीं, ज्यादा नहीं होना चाहिए। काजल जी बात ऐसा है कि इस जगह पे आने के बाद ना हम बार्गनी भी नहीं कर सकते किसी से। लोग कहेंगे कि फालतू आदमी है क्या, हाँ, इतना ये क्या पैसा बात कर कमाता, रहे हो, ऐसा थोड़ी बार्गनी भी नहीं होता कर है। सकते। हम जाते हैं जब कपड़ा उपड़ा खरीदने, तो मॉल में ज्यादा महंगा होता है तो उसको छोड़ देते हैं, ताकि खरीद हम की बार्गेनिंग नहीं होती है, कुछ सामान होते हैं उसकी ही ज्यादातर होती है। जैसे कि अभी सब्जी सब्जी या लॉकडाउन में जो 20-20 रुपए की होती है, वो अभी 50-50 60-60 रुपए में वो लोग बेच रहे हैं, तो बोल रहे हैं और बोलते भी हैं कि फायदा तो अभी उठाएंगे ना हम लोग, तो ऐसे भी लोग हैं। नहीं ठीक है, मानते हैं तो गरीब आदमी है यार, उनको 2 रुपया अगर मिल जाता है तो क्या घर से जाता है यार, जाने दो ना, क्या नहीं, फर्क पड़ता लेकिन वो जो फार्मर से लेके आते हैं, जहां से लेके आते हैं, जो खेतीदार होते हैं, जो वर्कर है। होते हैं, उनसे वो लेके आते हैं, वो खुद नहीं वो उगाते हैं या काट के फिर हमको जो भी देते है हैं। नहीं, देखिए, नहीं ठीक है, जहां भी है। वो एक बात है कि वो अच्छा सामने वाले कम पैसे ही देते हैं जितने में वो लेते हैं, लेकिन बाहर जाके वो ज्यादा में बेचते हैं। नहीं, मेरे कहने का मतलब सोचिए आप, जो खेती वाले हैं वो जमींदार लोग हैं, उनके पास होलसेलर है, अगर उनको 5 रुपए कम में बट मिलता है और यहाँ फिर 20 रुपए भी ज्यादा में मिलता है, तो ये वर्कर लोग है ना यार, इनको तो बस रेडी पटरी लगा के अपने जीवन को चलाना है। तो मुझे आपत्ति नहीं है कि 20 रुपए ज्यादा लेते हैं, किसी बहाने उनके घर परिवार का मदद तो हो रहा है, तो मैं यही सोच के ले लेता हूँ, मैं बार्गेनिंग नहीं करता। चलिए कोई बात नहीं। जब आप शोज के लिए या कहीं भी जाते हैं शूट पे, तो होटल से आपने कभी चेकआउट के टाइम जैसे कि सोप है, शेविंग किट है या शावर कैप है, ऐसे चुराई नहीं, कुकिंग चुराया हो। है? कुकिंग भी एक, कुकी वो कुकी बिस्कुट आता है ना,
वो चुराता हूँ, मेरा फेवरेट है ना वो खाता भी रहता हूँ। तो चलो यार, कुकीज के पैसे मिलते हैं, चुराने से कोई फायदा नहीं है। हाँ तो कुकीज लेके निकल जाता हूँ, लेकिन वो भर कुकीज लेता के भी हूँ। होते हैं। हाँ तो अच्छा, इसीलिए मैंने सोचता हूँ कि भाई कुछ ना बचे होटल में जाने के ऐसी लिए। कोई फिल्म है जो सिर्फ आपने पैसे के लिए की हो? नहीं फिल्म था ना मेरा, फिल्म था बोलो ना मेरा, आवाज नहीं आ रही। हाँ एक फिल्म था, कौन सा? हमारी जंग। और बोल भी रहे हो? एक और फिल्म किया था पैसे के लिए, कौन सी? वेरी मेहंदी लगा के रखना। वेरी नाइस। जो कि अच्छी सिनेमा तो बनी, अच्छी हिट भी हुई, दुनिया की नजर में पड़ी, अच्छी खूबसूरत सिनेमा तो, बट पैसा नहीं मिला उसका आज तक। तो अच्छा है, कम से कम एक अनुभव भी हुआ, दूसरी चीज की एक अच्छी सिनेमा का हिस्सा बने, इस बात की बहुत खुशी है। पेमेंट आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं इंसान कमा ही लेता है, बट एक अच्छा सिनेमा उसके हक में नहीं मिलती है, इसलिए मेरे लिए वो कोई मायने नहीं रखता। आपने उसमें बट बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया है, और वो मूवी हमेशा यादगार रहेगी भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए, मेहंदी लगा के रखना। इसलिए ओके, ज्यादा तो पैसे का टेंशन नहीं लेता कि उसमें मिला कि नहीं मिला। आपको क्या जरूरत है ऐसे ही इतने पैसे वाले नहीं हो? नहीं लेकिन उसमें उसमें का जो प्रोड्यूसर है ना नंजे जी, वो प्यार बहुत देते हैं, बड़े भाई की तरह है। तो उनके प्यार से ही मैं समझिए कि मेरी रिकवरी भी हो जाती है। बड़े भैया है, उनकी वाइफ मेरी भाभी है, पूनम भाभी, बड़ी अच्छी है वो, बड़ा प्यार करता हूँ उनके बच्चों से भी। तो घर परिवार का रिश्ता है, तो वहां पैसे मायने नहीं रखते। सही बात है। अच्छा, तो कभी आप अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन, कभी आप अपनी फिल्म देखने के लिए छुपके से अपने फ्रेंड्स के बीच में थिएटर में गए हो? हाँ यार, ये तो किया हूँ मैं, कई बार मुंह बांध के गया हूँ, कई बार शो में मैं अपने पूरा ढक के और पैदल ही निकल गया हूँ, ताकि गाड़ी देखकर भीड़ लगेगी, नुकसान होगा किसी का, इसीलिए बीच बीच से मैं अंदर अंदर थिएटर से में, जब निकलता। कभी आपकी कोई रिलीज होती है, आपकी मूवी जब कोई रिलीज होती है, तो आपका आप अपनी ही मूवी देखने के लिए, अपना ही काम देखने के लिए आप थिएटर में गए हो छुपके से फैंस के बीच में? मैंने बताइए, हमने मूवी की है तो छुपके से क्यों जाऊंगा मैं, ये कौन सा सवाल है? छुपके से क्यों जाऊंगा मैं? जाऊंगा अगर खुलेआम जाऊंगा तो 10 लोग देखकर आएंगे भी ना, तो इंसान को दहाड़ के जाना चाहिए, ताकि हम अपने पब्लिक, अपने फैंस के बीच में एंजॉय करें, उसको मूवी को देखें और प्यार करें और उनका आशीर्वाद लेके आए। छुपके से क्यों जाऊंगा मैं? अरे यार, मैं जा चुकी हूँ ना, मैं क्या बोलू, मैं बहुत बार वो गई हूँ आप खबर वो छेड़ने। आपका वो आपका साइड है, उसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता, मेरी होता अपनी, है ना, मैं अपनी बता रहा हूँ। मैंने अपनी फिल्म बहुत बार देखी नहीं है, अपनी नहीं लेकिन आपने ज्यादा मेरी मेरा विचारधारा दुनिया को बता रही है ना, तो मैं अपनी विचारधारा बता रहा हूँ कि मैं अगर मेरी सिनेमा होती है तो मैं एकदम सही दहाड़ के बात है। जाता हूँ, मैं बोल के जाता हूँ कि मैं आ रहा हूँ, ताकि उसी बहाने लोग मेरे से मिल भी लें, मुझसे सेल्फी भी ले लें, मुझसे प्यार भी कर लें। तो बहुत सारी चीजें होती है। ओके, नाइस। हाँ ओके। अच्छा, कभी शो करते करते आप कोई चीज ऐसी बताना चाहो कि आपके शो में बहुत यादगार हुई हो? हाँ एक बार बहुत पहले की बात है, उस समय मैं कुर्ता पैजामा पहनता था, शो करते करते मेरी मेरी नाड़ा टूट गई और मेरा पैजामा नीचे आ गया, कुछ एक बार भी की बात है। हाँ एक बार सीरियसली? के हुआ था, एक बार हुआ था, लेकिन अंडरवियर था, कोई दिक्कत नहीं था, वो अंडरवियर भी था मेरा, वो गांव देहात के जो पहनते हैं ना, पहले लोग पहनते थे नाड़ा वाला अंडरवियर, वो बड़ा था तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन पैजामा की डोरी टूट गई झाल बजाते समय ना, वो मेरी पैजामा की डोरी खुल गई थी। दिल्ली शहर में मैं एक बार शो कर रहा था, तो रामायण महाभारत गाता था उस समय, तो पैजामा का डोरी थोड़ा सा लूज था और अपने आप नीचे आ गया और मैं गा रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं चला, लेकिन कुर्ता बड़ा था तो उसमें वो कवर हो गया। ऐसा फिर अच्छा, अगर आप एक्टर ना होते तो आप क्या होते? बस जिस तरह बाकी लोग रहते हैं, बाकी लोग जीते हैं, मैं वही होता, मैं भी किसी फैक्ट्री में काम करता या गाता था, तो कहीं ना कहीं रियाज होता, रामायण महाभारत का गायकी करता, वेद गाता और उसी से अपनी रोजी रोटी चलाता, क्योंकि मेरी गायकी ही मेरी जीवन है, तो मैं उसी में अपना भाग्य को आजमाइश करता और कोशिश करता जो कुछ आगे कर लो।
ओके नाइस। तो आप बताइए मुझे, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप ऐसी कौन सी फिल्म नहीं देखे हैं अपनी रिलीज के बाद? नहीं, देखता तो मैं सब हूँ ताकि मैं अपनी गलतियों को देख सकूँ, सीख सकूँ। कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं देखूँ कि मैंने इसमें गलतियाँ क्या की हैं, इसमें सही मेरे लिए क्या है, तो में क्यों नहीं मिला। तो कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं सारी अपनी मूवी देखूँ और देखकर मैं खुद महसूस करूँ कि मैंने गलत किया है या सही किया है। क्या कभी कोई मूवी देख के आपको ऐसा लगा है अपनी के मैंने ये कैरेक्टर ऐसा किया होता अच्छा होता, ऐसा नहीं किया होता तो ज्यादा अच्छा होता, ऐसा कुछ कभी फील हुआ है? बहुत सारे सिनेमा में ऐसे हुआ है कि करने के बाद समझ में आता है, ऐसा नहीं। जैसे कोई फिल्म का नाम बताइए। नहीं, जैसे कि मेरी जंग की ही बात मैं बताऊंगा, इसलिए क्योंकि उसमें ऐसा बाल लगा दिया था मेरा डायरेक्टर साहब ने और सबने मिलके कि, और उसमें सच्ची मेरा में भी वो गलती था। नहीं, नहीं, मैं डायरेक्टर को भी अपनी गलत नहीं बोलूंगा। उस बाल को देखकर गलती मैंने भी बोला था कि नहीं, बाल ठीक लगेगा, तो मेरा भी सजेशन था वो उसमें, उस बाल में, लेकिन वो बाल बहुत गंदा लगा, तो इसलिए कभी कभी अब खुद पे ही लगता है कि नहीं यार, वो गलत हुआ था। वो तो है, हमने भी देखा, फनी लगा था हाँ बहुत। हाँ हाँ तो ओके बहुत तो ऐसी कोई ऐसी चीज बताइए जिससे आप बहुत डरते हो। हाँ मैं अपने जनता से बहुत डरता हूँ, खुद से डर नहीं लगता, मैं जनता से बहुत डरता हूँ क्यों कि दुनिया से मतलब बात अलग कर दे, कब मुझे दुनिया से अलग कर दे और कब मुझे सर को अपने सर पे बैठा ले, ये मुझे पता ही नहीं होता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि उनके खुशी के लिए हर वो चीज करूँ, उनके मनोरंजन के लिए हर वो कड़ी को अपनाऊं जिनसे उनको खुशी मिले, इसलिए मैं जनता से बहुत डरता हूँ, बाकी किसी से नहीं डरता। बड़ा बहुत डाउन टू अर्थ है और आप हमेशा हमको एंटरटेन करते हैं। तभी तो हमेशा लाखों में भीड़ होती है आपके इवेंट्स में, इवन शूट भी आप करते हैं तो बहुत सारी भीड़ रहती है और आप हमेशा उनके साथ एक उनकी तरह ही बन के रहते हैं। सो ये आपकी एक बहुत अच्छी क्वालिटी है जिससे आपके फैंस कभी आपसे दूर नहीं जाएंगे इंशाल्लाह। तो थैंक यू थैंक यू थैंक आपको आपको स्वीट में क्या क्या पसंद है? यू। स्वीट में मुझे मीठा पसंद है, क्या गुड़ 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 गांव का जो भेली होता है ना, गुड़ वो मुझे ज्यादा वाला तो पसंद गुड़ है। पीता होता है और जैसे कुछ गुड़ स्वीट में पसंद गुड़, हाँ गुड़ मैं खाता हूँ, तो क्यों, गांव के भेली वाला गुड़, यहाँ का नहीं, ये तो चीनी टाइप का होता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी सबसे बुरी आदत क्या है जो आपको लगती है? मेरी में बुरी कोई आदत ही नहीं है, कहीं हाँ? ना कहीं मेरे में देखो आदत। खाना ठीक है, चबा सुखा जाइए दो। नहीं, मत खिला भी। चबा जाइए चबा जाइए, नहीं, मेरे अंदर कुछ पता नहीं नहीं, अभी सुखा दो उसको। हाँ, करता। तो उसको और पीस देना मिक्सर में। हाँ, तो मेरी रे, मेरे पास बुरी आदत नहीं है, वो आप नहीं मेरे बताओगे, हम बता सकते हाँ हैं। बताइए मेरे में बुरी आदत क्या आपकी सबसे बुरी आदत ये है कि आप 24 आवर्स काम करते हो। क्या करे यार, ये कौन सी बुरी आदत है। ये बुरी आदत कही जा सकती है बिकॉज हमें एटलीस्ट कम से कम 7 से 8 घंटे बॉडी को रेस्ट देना चाहिए और ये हर इंसान कहता है, इवन और ये अक्षय मैं, कुमार भी है। लेकिन मैं अगर 24 घंटा वर्क करता हूँ तो मैं खुद के लिए तो नहीं करता, मैं अपनी जनता के लिए करता हूँ, तो जनता के लिए मेरी आंखों में नींद नहीं है, ये तो मैं जानता हूँ। जैसे होता है ना, एक टाइम पीरियड होता है कि मीन्स अभी हम 24 आवर्स वर्क कर रहे हैं और आगे जाके ना वो इयर्स में कम हो जाते हैं। अभी आप इतना इतना वर्क कर लोगे आगे जाके फिर आपकी आप चिंता मत करो, लॉकडाउन आ गया ना, आखिर कोरोना आया ना, कम से कम 6 महीने 1 साल तो बैठा देगा ना अभी ये वेरी फनी, ये कोई तो आंसर इसी नहीं तो कोरोना ने साल भर घर पे बैठाया ना, अब बैठा ही देगा ना, कलाकारों को तो एटलीस्ट बैठा देगा, अच्छा क्योंकि बधाई हमारा दे दी काम शो का, सर। हमारा काम शो का है, उसमें भीड़ आएगी। जब तक वैक्सीन नहीं बनेगा तब तक हम शो नहीं कर सकते, जब तक वैक्सीन नहीं बनेगा तब तक हम सिनेमा नहीं कर सकते,
तो ऐसे ही ईश्वर ने तो खुद ही बैठा दिया कि खेसारी बहुत 24 घंटा काम करते थे, अब बैठो बेटा। तो कहीं ना हाँ कहीं, ये बात सही हाँ, है, लाइट पकड़ा अगर अगर भगवान वही की। 24 घंटा वर्क नहीं किया होता तो आज अफसोस होता ना कि अरे यार मैंने 24, टाइम था तो मैंने 24 घंटा नहीं किया। इसीलिए मैं अच्छा कोशिश करता हूँ कि जब टाइम नेक्स्ट अपनी क्वेश्चन, हो तो इंसान काम करे। नेक्स्ट क्वेश्चन। जी बताइए। अच्छा खेसारी लाल यादव को लड़कियों में कौन सी चीज ज्यादा इम्प्रेस करती है? साड़ी, सारी क्योंकि हमारी आई संस्कार है। हाँ, हमारी संस्कार है, और संस्कार में हमेशा इंसान को रहना चाहिए। जो संस्कार में रहता है वो मुझे ज्यादा पसंद है। अच्छा ऐसी तीन तीन क्वालिटी बताइए जो आप लड़की में चाहते होनी चाहिए। लोगों को सम्मान दे, लोगों को सम्मान दे, अपने मर्यादा को ना भूले, और अपने माँ बाप का सेवा करें। वेरी नाइस। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि सब जानते हैं लड़कियां आप पे बहुत मरती है राइट, तो खेसारी लाल यादव को पहली चीज उन लड़कियों में क्या नोटिस करते हैं? मैं कभी शादी के बाद नोटिस नहीं किया, शादी के बाद नोटिस नहीं किया, क्योंकि मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी जे मैं नोटिस करूं, और क्यों करूं। ये झूठ है, हम ये नहीं, झूठा हम किसी के पति हैं, हमारे दो बच्चे हैं, और हम लड़कियों में ये चीज नोटिस करें कि इसमें कौन सी क्वालिटी अच्छी है, तो ये मेरे लिए ठीक नहीं है। इसीलिए मैं अपने काम पे फोकस करता हूँ, इन सब चीजों पे ज्यादा ध्यान नहीं देता। क्या चीज है जो आप अपनी को एक्ट्रेस में देखना चाहते हैं, जो अपने आपकी हीरोइन? खुद से प्यार और ईमानदारी, अपने काम काम के प्रति अपने काम के प्रति ऊर्जा होनी चाहिए उनके अंदर। उनको लगना चाहिए कि हमें दुनिया प्यार करे। तो आप खुद से प्यार नहीं करोगे तो शायद आपको दुनिया प्यार नहीं करेगी। तो मेरी कोशिश रहती है कि हमारी जो कोई एक्टर भी खुद से प्यार करे। लड़कियां ये सोचती है कि मुझे खेसारी जी के अपोजिट वर्क करना है, तो प्लीज सुन लीजिए कि वो क्या चाहते हैं जो उनकी हीरोइन में क्वालिटी हो बिल्कुल, आप खुद राइट। से प्यार करो, खुद से प्यार करो, आप अपने वर्क को समझो कि मेरा वर्क क्या आपको है। एक्टिंग अच्छी हो, डांसिंग अच्छी हो, यस यस यस, नाइस। तो आपका सबसे अच्छा दोस्त बचपन का अभी तक जो है वो कौन है? मेरा दोस्त आज भी मेरा दूध है, जिसको मैं डेली पीता हूँ। इसको मैंने नहीं छोड़ा। मैं सारे मेरे स्कूल के लोग दोस्त आए, मेरे गांव के दोस्त आए, सब अपने काम में हो गए, जो मेरे साथ नहीं रह पाए, सबके अपने जीवन हो गए, बट मेरा दोस्त मेरा दूध है, जो कि हमेशा सुबह भी वो मेरे साथ रहता है, शाम को भी पी के उसको तो आनंद मिलता है कि मैंने कुछ पिया है। तो मेरा दूध ही मेरा दोस्त है। दूध बेचकर ही मेरी जीवन शुरू हुई थी, और आज दूध मेरे साथ रहता है और मेरे को ऊर्जा देता है। जो ताकत, एक दोस्त का मतलब क्या होता है, जो आपको ताकत दे, आपको ऊर्जा दे, आपको आपकी स्टेमिना बनाए रखे, आपको ऊर्जवान बना दे। तो मेरी मेरी ताकत मेरा दोस्त ही है, और मेरा दोस्त दूध है, जो कि मुझे ऊर्जा देता है और ताकत। मतलब कहना ये चाहती हूँ कि मिल्क भी दोस्त होता है। ओके बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। हाँ, तो आप तो मतलब हमेशा से भैंस के ऊपर आपने अपना करियर स्टार्ट किया है, तो इस दूध से तो लॉकडाउन ने, दोस्त देखिए सुनिए, इस तो आप लॉकडाउन ने समझा दिया है कि दोस्त का मतलब क्या होता है। आज लोग कहते हैं ना कि जो डर गया सो मर गया, लेकिन जो डर गया सो बच गया, आज के डेट में ऐसा ही है। और जो हमारी दुनिया को छोड़ के चले गए हैं, जो दुनिया को छोड़ के चले गए हैं, मैं उनके आत्मा की शांति के लिए गुहार करूंगा। बट जो बच्चे हैं, ईश्वर उनको हमेशा खुश खुश रखे, कुशल रखे, ताकि उनके जीवन में आपदा आई है, बट वो सुरक्षित रहे, घर में रहे, स्टे होम रहे। तो आज जो डर गया सो बच गया, डर गया सो मर गया नहीं, जो डर गया सो बच गया। तो इंसान को ऐसा ही करना चाहिए कि सिचुएशन के हिसाब से अपने जीवन को ढाल ले, और जैसी परिस्थितियां आए उस परिस्थितियां में जीना इंसान को आना चाहिए। ऐसी कोई चीज बताइए जिससे आप बहुत नफरत झूठ, करते? झूठ। अगर हाँ, झूठ से मुझे नफरत है।
ऐसा कौन सा झूठ है जिसने आपसे बोला नहीं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने, मेरे साथ रहने वाले भी ने, कई कई लोगों ने झूठ बोला है, बहुत सारी चीजें। मैं भी कभी कभी झूठ बोल देता हूँ, लेकिन मुझे खुद से गिल्टी फील होती है कि नहीं यार गलत किया मैंने, झूठ मुझे नहीं बोलना चाहिए। सही बात होता है ना। अच्छा तो ऐसी कोई फिल्म बताइए जो आपने रिजेक्ट की हो पहले और आपके किसी अदर कोई स्टार ने उसको कर ली हो, लेकिन वो देखने के बाद आपको कभी ऐसा लगा हो कि काश मैंने ये किया होता। हाँ, ऐसी दो फिल्में हैं जिसको मैंने मैंने छोड़ दिया। छोड़ क्या दिया, मेरे पास वक्त भी नहीं था, और वो सिनेमा मेरे पास आई थी और मुझे बोला गया भी था और करना भी था मुझे, बट जो भी सिचुएशन हो, पटना से पाकिस्तान और राजा बाबू, ये दो सिनेमा मेरे, बाद में मुझे अफसोस हुआ कि नहीं मुझे कर लेना चाहिए था। वक्त के तकाजा कहिए चाहे जिस सिचुएशन से कहिए, वो सिनेमा मैंने नहीं कर पाया जबकि वो मेरे पास थी, और मैंने उसको बोला कि नहीं अभी टाइम नहीं है, मैं बाद में कर पाऊंगा, अभी नहीं कर पाऊंगा। तो वो दो सिनेमा का अफसोस मुझे रहता है, लेकिन अगला समय से पहले भाग्य सवाल, से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, उसके लिए अफसोस भी नहीं रहता है, क्योंकि जिसके किस्मत में जो चीज होता है वो मिलता है, उसके लिए हम किसी और को दोषी नहीं ठहरा सकते, ना ही खुद को दोषी ठहरा सकते हैं। वो मेरी किस्मत में नहीं थी, मुझे नहीं मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन। आप एक दिन बिना मोबाइल के या वर्कआउट के, दो में से किसी चीज के रह सकते हो? ये दोनों के बिना रह सकता हूं मैं, क्योंकि मुझे खुद पे विश्वास है, खुद पे कंट्रोल है। मैं क्या बोला आपको, इंसान इंसान ताकतवर कब बोलता है, जब अपने बस में अपने आप को करता है, अपने आप को जिसने बस में किया वो ऋषि हो गया या वो महात्मा हो गया। तो ये बताइए ना, मेरे पास वर्कआउट था और ना ही मेरे पास मोबाइल था, लेकिन मैं बिग बॉस में 3 हफ्ते रहा ना। तो इंसान ढलता कैसे है, उसको खुद पे विश्वास होना चाहिए कि मुझे करना क्या है। तो वो ज्यादा मायने नहीं रखता है कि आपको मोबाइल जरूरी है, वर्कआउट जरूरी है, तो हम 10 दिन रह सकते हैं। लेकिन आप तो डेली वर्कआउट करते हो, घर पे तो वर्कआउट करते हो, आप वर्कआउट के बगैर हाँ नहीं रह सकते हो, मतलब कि जी जी कहने का जी मतलब जी ये है। मैं नहीं रह सकता। उसका रीजन है कि अगर मेरे पास वक्त है तो मैं अपने वक्त को ऐसे नहीं जाने दे सकता। मैं वर्क करूंगा, मैं वर्कआउट करूंगा, ताकि वो मेरी सिनेमा के लिए है, वो मेरा काम है, वो वर्कआउट नहीं है, वो मेरे काम में आता है, क्योंकि मुझे खुद को अच्छा दिखाना है, अच्छा बताना है, और मुझे दुनिया आइकॉन मानती है, तो मैं आइकॉन की तरह मेहनत भी तो मुझे करना चाहिए। इस धरती पे कम से कम 130 करोड़ जनता है, लेकिन हीरो कितने लोग बनते हैं, बट अगर मुझे वो चांस मिला है, अगर उस अवसर मुझे मिला है, तो मुझे खुद पे अपनी मेहनत करना चाहिए, मुझे खुद पे काम करना चाहिए, ताकि मैं दुनिया को और अच्छा बेहतर दिखा सकूं। तो वो मेरे काम है, वो मेरा वर्क नहीं, वो मेरा वर्क है, वो मेरा, ऐसा नहीं कि मैं उसके बिना जी नहीं सकता। हाँ, वो मेरे काम में है, इसलिए वो मेरे लिए जरूरी है। ओके अच्छा तो एक गेम है ये, दो एक्टर होंगे, एक्ट्रेस होंगी, या कोई भी चीजें हो सकती है, तो इनमें से, मतलब अभी तो फिलहाल एक्टर्स हैं, इनमें से आपको ये बताना है कि अगर ये लोग एक्टर ना होते तो ये लोग क्या होते, आप अपनी नजर से उनको कौन सा ये आप देंगे नाम। नहीं, नहीं नहीं अब सुनिए, आप झगड़ा करवाने पे लगी हुई हैं। अरे कोई रुकिए सुनेगा तो क्या सोचेगा, जब मैं उसके बारे में ऐसा सोचता हूँ, उसके बारे में ऐसा सोचता हूँ। नहीं ना, नहीं ये नहीं ऐसा मत, फनी ये सब सवाल का जवाब नहीं दे सकता। सब लोग अपने, था। नहीं, सब लोग अपनी किस्मत से अपनी जगह को पाए हैं, सब लोग अपनी किस्मत से उस जगह पे है। मैं कौन होता हूँ, मैं कौन होता हूँ डिसीजन लेने वाला कि नहीं ये होता तो क्या होता, वो होता तो क्या होता। सॉरी सॉरी सॉरी, ये सब सवाल मत करिए। नहीं, नहीं नहीं नहीं, आप सिनेमा के बारे में पूछिए, मैं बताऊंगा आपको। आपने मेहदी मेहदी किया है, आप सैयद अरब गिलेना किया है, आप बलमुआ कैसे तेजब किया है, आप उसके बारे में पूछिए, मैं आपको क्लियर बताऊंगा। इमेजिन करना अच्छा, है, इमेजिन करना है, पूछिए। सिर्फ ये शाहरुख ठीक खान है भी कर चुके ठीक है, पूछिए और पूछिए। कोई कोई प्लीज दिल से ना लगाइएगा, जो जो हाँ भाई, देखेंगे प्लीज सो प्लीज प्लीज प्लीज। जा रही है। हाँ, मैं सबको बोलता हूँ पहले से भी कि मैं आपका डिसीजन करता नहीं हूँ, ये फनी चीजें हैं तो ये पूछ रही हैं, ये शो के लिए, तो प्लीज मैं जवाब दे रहा हूँ, नहीं तो अगर ये शो नहीं होता तो मैं, मेरे मन में आप लोग के लिए कुछ ऐसा नहीं है और ना ही मेरी विचारधारा ऐसे है, मैं क्लियर कर देता हूँ। ओके पूछिए पूछिए। फाइन। तो
दिनेश लाल यादव अगर एक्टर ना होते तो ये क्या होते, इन फ्यूचर क्या होते? बिजनेसमैन होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, क्या होते, फार्मर होते हैं, वगैरह वगैरह, ये बोल रही हूँ मैं। तो बुराई थोड़ी ना करनी है। हाँ, अब आपसे बोलिए हाँ? क्या बोले। हाँ अगर ये एक्टर ना होते, जैसे कि दिनेश लाल यादव, दिनेश जी अगर एक्टर ना होते तो वो अपने फ्यूचर में क्या होते? कोई सिंगर, तो वो सिंगर भी है ही, सिंगर और एक्टर छोड़ के बिजनेसमैन होते, फार्मर होते, या पॉलिटिशियन होते हैं, या क्या होते, वो बोल रही हूँ नहीं, मेरे मेरा मेरा जहां तक मानना है, विचारधारा उनकी जो है, उनके विचारधारा से वो बहुत ज्ञानी पुरुष हैं और वो समझदार इंसान हैं, लेकिन वो गायक के बाद ही हम उनको जाने हैं, तो उनको इस लाइन में आने के बाद हम जान रहे हैं। तो अब की विचारधारा में बता सकता हूँ, वो पहले क्या होते ये तो मैं नहीं जानता, क्योंकि इंसान, जैसे कि हाँ नेचर से पता चल जाता है ना। हाँ, तो बहुत बहुत अच्छे वक्ता है, बहुत समझदार इंसान है, और एक समझदार आदमी ही नेता बनता है, तो कहीं ना कहीं वो नेता ही होते हैं मेरे हिसाब से। ओके फाइन, तो इसी तरह से आपको आंसर करना है, ठीक है? पवन ओके सिंह। ओके, तो बड़े भैया है, वो बड़े भैया हैं। पवन भैया अगर हीरो नहीं होते तो, क्योंकि मैं उनको गायक के बाद ही जाना हूं, तो उनके बारे में भी एक्सप्लेन करना बड़ा नेचर कठिन से मैं होगा। बता सकती हूँ कि उनका जो नेचर है उस हिसाब से वो क्या होते। मैं वो भी बहुत, आपको वर्क करने के बाद ही मैंने आपको जाना है, सो हाँ, समझ सकती हूँ। तो पवन भी अगर गायक नहीं होते तो क्या होते, क्या क्या होते? बताऊँ, उनके पास बहुत सारी क्वालिटी है ना, तो मैं ढूंढ रहा हूँ जो कौन सी क्वालिटी बतानी पड़ेगी, बहुत बतानी चाहिए सी, मुझे उनके कोई अंदर तो क्वालिटी। बताओ। वो बहुत अच्छा, मैंने लेक्चरर होते कहीं ना कहीं, मेरे हिसाब से मुझे लगता है वो कहीं मास्टर वास्टर होते, क्योंकि जब भी हम लोग मिलते हैं ना, तो जो समझाते हैं और जो बताते हैं ना, उस हिसाब से लगता है कि लेक्चरर होते या कहीं मास्टर वगैरह होते, शिक्षा शिक्षित आदमी, शिक्षा के हिसाब से मैंने वो शिक्षित होते कहीं ना कहीं, और किसी स्कूल में पढ़ाते वो क्लियर। रानी चटर्जी। रानी चटर्जी भी बहुत अच्छी वक्ता है, वो रानी चटर्जी, आपने उनके साथ वर्क किया है? हाँ, रानी जी के साथ मैंने वर्क किया है, और दो दो फिल्में की है मैंने, दो नहीं तीन, शायद शायद तीन फिल्में की है, कि दो फिल्में। तो मेरे हिसाब से रानी जी भी अगर अपने जीवन में अगर एक्टर नहीं होती तो कहीं ना कहीं वो मीडिया रिपोर्टर जो होती है, क्या बोलती है, एंकर, या हाँ रिपोर्टर। हाँ, रिपोर्टर कहीं ना कहीं वो जरूर होती, क्योंकि बोलने का तरीका जो है एकदम फास्ट है उनका, और अच्छा बोलती है वो, अच्छा चीजों को समझती है। आम्रपाली दुबे। अमरपाली जी अच्छी अगर वो एक्टर नहीं होती तो हाउस वाइफ होती, क्योंकि वो खाना बहुत अच्छी हाउसवाइफ बनाती हैं। हाँ, सीरियसली? संस्कार बहुत, यस, संस्कार उनके अंदर बहुत अच्छा है, क्योंकि वो हमारे यूपी से हैं, तो कहीं ना कहीं संस्कारिक हैं वो, और बहुत सारी चीजें हैं, तो उनको देखकर मुझे एक अपनापन लगता है, कि मैंने एक लगता है कि कोई तो रिलेशन है इनसे, मेरा अगले जन्म या पूर्व जन्म का कोई रिलेशन है, जो आदमी मिलता है तो अच्छा लगता है उनसे। अवधेश मिश्रा। वो शैतान होते अगर वो, हाँ, अगर वो एक्टर नहीं होते तो अब तक कई सारे मर्डर केस में फंसे होते वो, नेचर से भी और शरीर से भी। बट अवधेश जी वो एक्टर में ही बहुत अच्छे लगते हैं, वो उनके अंदर प्रतिभा बहुत है, उनके अंदर काबिलियत बहुत है, जो कि कई सारे सिनेमा में देखने को मिलता है, और जब भी उनसे आदमी मिलता है तो कहीं ना कहीं कुछ सीखता है, और क्या बोले। रवि किशन। रवि जी गार्जियन है हम लोगों के, और रवि जी जहाँ वो एक्टर नहीं होते तो वो भी कहीं ना कहीं नेता ही होते, क्योंकि उनके बातों में जो खिंचाव है, कहीं ना कहीं उनको लगता है जो वो सामने वाले को अपना बना लेते हैं, वो बाली हैं, कंप्लीटली बाली हैं, सामने वाले के आधा बल ले लेते हैं, और
उनके भाषण में भी लगता है अपनापन सा, इमोशनल इंसान है वो, और काबिलियत उनको कहीं ना कहीं बचपन से ही होगी, तभी आज वहां तक पहुंचे हैं वो। तो और उनके अंदर काबिलियत नहीं होती तो शायद मेरे हिसाब से यहां तक वो नहीं आते। आज वो जिस पोजीशन पे हैं वो काबिलियत के बदौलत ही हैं। तो कहीं ना कहीं लोग कहते हैं ना कि तेज लड़का हगते में चिन्हा जला, हमारे यहाँ एक लोग बोलते हैं कि तेज लड़का हगते में, हाँ तेज लड़का हगते में चिन्हा जला। तो कहीं ना कहीं जो जो बच्चे से ही प्रतिभा समझ में आती है, हाँ बच्चे से प्रतिभा समझ में आती है। तो रवि भी एक कंप्लीट इंसान है, वो कुछ भी कर सकते थे। आपको मैं दो चीजें बताऊंगी, दो नाम होंगे या जो भी होंगे एक्स वाई जेड, उनमें से तुम्हें से किसी एक को चूज करना, ठीक है? जैसे कि ये फिल्में हैं संघर्ष या कुली नंबर वन, आपके लिए ज्यादा स्पेशल कौन सी है? संघर्ष। लिट्टी चोखा या दाल चावल? लिट्टी चोखा। ओके, बिहार या मुंबई? मेरी जन्म भूमि है तो मेरे लिए दोनों प्यारी है, इसलिए कि वो जन्म लिया हूँ वहां पे और यहाँ आज मैं लोगों को मनोरंजन कराता हूँ, तो दोनों मिट्टी लिए सक्रिय है, दोनों मेरे लिए माँ समान है, क्योंकि यहाँ से मुझे रोजी मिलती है और उसने पैदा किया है, तो अब इसलिए जो पैदा करती है माँ वो ऊपर ही रहता है, तो मेरी माँ ही मेरे लिए सबसे सर्वोपरि है। एक्शन मूवी या रोमांटिक मूवी? पारिवारिक, इमोशनल, फनी, दोनों। वो पारिवारिक नहीं है, रोमांटिक या फिर एक्शन, दो फिर बताओ। रोमांटिक 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 सॉन्ग या सैड सॉन्ग? रोमांटिक। नहीं, ठीक है, तो अभी ट्रूथ एंड डेयर होगा, जिसमें ट्रूथ में आपको सच बताना है और डेयर अगर आप चूज करते हो तो उसमें जो मैं बोलूंगी वो आपको करना है। ट्रूथ या डेयर? ट्रूथ। डेयर क्यों नहीं करोगे? मैं आपसे डेयर करवाऊंगी। हाँ बताइए। मैं आपसे डेयर करवा के रहूंगी। अच्छा, आप सच बताना, ठीक है? हाँ, फनी क्वेश्चन है। आप टॉयलेट में बैठ के क्या सोचते हो? ऐसी क्या चीज है? मैं टॉयलेट में बैठ के सॉन्ग सोचता हूँ, सॉन्ग और मेरे, हाँ टॉयलेट के लिए जितने भी मेरे सॉन्ग सोचे हुए हैं सब सुपर डुपर हिट। सुपर डुपर हिट है। जैसे कि कौन सा गाना? उठलाली से रोटी बोर के, डोली में गोली मार दे। हम लोग जब भी सोचते हैं तो हमारा और फोन वक्त दोनों का सोच एक ही होता है। आपके बहुत सारे सॉन्ग हैं, मैंने सरसों के सगिया भी हम लोगों ने टॉयलेट में ही सोचा था, उसके बाद टॉयलेट में सोचा था सरसों के सगिया। हाँ, और उठवा से मधु चुए अभी फिलहाल हिट है। तो कहीं ना कहीं टॉयलेट बहुत बड़ी अच्छी जगह है जो कि इंसान को बड़ी सुकून देती है, और वो जगह पे इंसान सिर्फ कुछ अच्छी चीज ही सोचता है। हाँ, ये तो बात है। कमल देखिए, कचरे कचरे में ही कमल का फूल खिलता है, आपको भी पता है। तालाब में, कीचड़ में, कीचड़ में, तो कीचड़ में कमल का फूल खिलता है। लोगों को लगता है जो टॉयलेट है, बट मुझे लगता है कि वो सोचने की मशीन है, और इंसान को वहाँ सोचना चाहिए, अच्छी से अच्छी चीज वहाँ आदमी सोच सकता है। आपका कोई सीक्रेट क्रश? यार सीक्रेट मतलब सीक्रेट वाला कोई क्रश, प्यार आपने जो छुपा के रखा हो, किसी को बताया ना, कोई है? आपको लगता है जो मेरा प्यार होगा और किसी को पता नहीं चलेगा? अच्छा, जिसको पूरी दुनिया प्यार करती हो वो सीक्रेट क्या रख पाएगा, बताइए। हाँ, आपने बताया था ना, आपने बताया था ना शादी के पहले कोई क्रश था आपका? हाँ था, वो बीती गई, वो मीडिया पे नहीं बता सकते। मतलब था? हाँ, तो किसको नहीं होता, मेरी भैंस थी जो छोटी थी, उसी से मेरा प्यार था। आप नहाती नहाती कौन सा गाना गाते हो?
नहाते नहाते मैं गाना नहाते नहाते मैं गाना नहीं गाता हूँ, नहाते समय मैं कुछ और सोचता हूँ, लेकिन गाना गाना होता है तो मैं टॉयलेट में ही सोचता हूँ। नहाते हो क्या सोचते हो? नहाते समय तो मैं अलग दुनिया में मुद्रा में रहता हूँ। नहाते समय तो आप सोच नहीं सकती मैं क्या करता हूँ, एकदम लीन हो जाता हूँ अच्छा मैं खुद को सौंप देता हूँ ईश्वर को कि ईश्वर ये आप है बस। इंटरव्यू कर रहा हूँ। हाँ आगे पूछिए। कभी नींद में बात की है? नींद में? अब नींद में कैसे पता चलेगा कि मैं बात करता हूँ? नींद में कैसे कोई बोलेगा जो बात बने? नींद में किसको याद रहता है जो मैंने बात की है? आपको कोई बोला होगा ना कि आप नींद में बात करते हो? वो कभी कभी होता है, ऐसा नहीं है कि आदमी नींद में बड़बड़ाते रहे। अगर आपकी शादी ना होती तो हमारे लाइक इंडस्ट्री में कोई भी इंडस्ट्री पकड़ लो, किस एक्ट्रेस के साथ आप शादी करना चाहते? किसी के साथ नहीं, क्यों? ऐसे ही नहीं, एक नाम तो बताना पड़ेगा। नहीं, किसी के साथ नहीं। अरे नाम बताना पड़ेगा, क्यों? कोई भी हो, बॉलीवुड की, साउथ की, हॉलीवुड की, कोई भी, भोजपुरी की, कोई रंभा एक्ट्रेस जिसको आप रंभा 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 रंभा। रंभा ओके अच्छा, कभी अपना वर्कआउट करते वक्त कभी अपना पसीना खुद ही चखा है? क्या? अपने पसीने को खुद ही चखा है क्या कभी वर्कआउट करते करते? हाँ वो तो जाता है कहीं ना कहीं, अंदर जाता है, वो कई बार हो चुका है। तो अभी डेयर वाला बताओ ना, डेयर डेयर बताओ ना आपको। नहीं नहीं डेयर नहीं। कभी आप अपने पेरेंट्स को याद करते रोए हो? याद में हमेशा होता है, हमेशा आपकी आवाज नहीं आ रही। हमेशा होता है, कहीं ना कहीं आदमी जब इमोशनल चीजें, जब कभी खुशी की चीज होती है या खुशी कोई पूजा पाठ होता है तो मम्मी पापा नहीं रहते हैं तो बड़ी याद आती है उनकी। बचपन की ऐसी कोई चीजें जो आप अभी भी मिस करते हो? हाँ यार, गांव के हो रहा मिस करता हूँ, गांव का भुट्टा मिस करता हूँ, गांव का खंजरवा के भुजा मिस करता हूँ, और सतुआ यहाँ तो मिल जाता है, सतुआ तो मंगा लेता हूँ गांव से, बट ढेढ़ी मिस करता हूँ, खेसारी का ढेढ़ी जो हम लोग भुर भुट कर खाते थे वो मिस करता हूँ, चना कचरी जो होता है हमारे यहाँ, चना को कच्चा उखाड़ के और जो हम लोग खाते थे वो मिस करता हूँ। बहुत सारी चीजें गाँव में, इतनी सारी यादें हैं कि शायद हम गिनाए तो कम पड़ जाएगा, मोबाइल फट जाएगा, क्योंकि इतनी यादें हैं गाँव में। वो तो है, आपने कमले आपने बहुत सारी चीजें हैं, यादें होंगी गांव से जुड़ी जो कि शहर में नहीं मिलती है। तो आपके कुछ गाने हमारे पास के हमने क्वेश्चंस बनाए, ठीक है? तो आपको हमें बताना है ऐसा क्यों नहीं होता। जैसे आपने गाना बनाया था खैबा महरी के हाथे जाए बहो, जो गाना था हमारा, तो क्वेश्चन ये है क्या मम्मी के हाथ से खाना खाते मोटे नहीं होते क्या? नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बीबी के हाथ के खाके, हमारे गांव में कितने सारे ऐसे केस हुआ है ना कि जो शादी से पहले वो बहुत ऐसे था, शादी होते ना वो एकदम फूल गया, मोटा ताजा, एकदम गाल फूले हुए एकदम। तो अक्सर आप गांव में नहीं है तो आपको पता नहीं होगा, लेकिन गांव में हमारे, हम लोग के कई सारे गांव में होता है कि गांव में अक्सर होता ही है, बहुत सारे केस नहीं होते, कुछ केस ऐसे होते हैं जो वो बीबी के आने के बाद ही मोटा होता है, तो हम लोगों ने इसीलिए वो गाना सोचा था, बाकी कोई रीजन नहीं था। सेकेंड सॉन्ग, जब से गलिया पे निकले बार दाना गोरी लागेला हुरहा के चना। हाँ तो जैसे दाना किसी पे निकल जाए, जब बाल से चना नहीं निकला था तो कैसी लगती थी? तो खेत लगती थी। गा के सुनाओ। जब से निकलल बगलिया पधाना गोरी
लागे नु हो रहा के चाना, यही था। बुढ़वा लोग के शक हो जाए जो गाना था हमारा कुली नंबर वन में, हाँ आखिर क्या शक होगा बुढ़ऊ लोग को ऐसा देखिए, बात ऐसा है, ये कुली नंबर वन का गाना है, और क्या? बात ऐसा है कि आज भी हमारे अंदर संस्कार है, तो हम संस्कार को हमेशा ऊपर रखते हैं। कोई भी अगर हमें, मान के चलो हमें प्यार ही करना है या हमें कोई बात ही करना है, तो हम अपने बुजुर्गों के सामने तो उसको नहीं कर सकते, इसीलिए उनको शक ना हो, इसके वजह से इंसान कहीं दूर जाने की कर रहा है। अभी जैसे कि गर्मी स्टार्ट हो रखी है और समर सीजन चल रहा है, तो जो आपने गाना बनाया था कूलर कुर्सी में लगा था कि कूलिंग करत रही, तो क्वेश्चन ये है कि आप ये बताइए कि कूलर कुर्सी में लगे कैसे? कूलर कुर्ती में लगेगा कैसे? हाँ, ये क्वेश्चन तो अच्छा है। ये काम करते हैं ना हम, तो पहले कुर्ती को सुखा देते हैं, कूलर में डाल देते हैं कुर्ती को, और फिर से पहन लेते हैं, वो ठंडा रहेगा। ओके, हाँ, नहीं, कोई खतरना नहीं रहता फिर। तो अगर आप किसी को ज्यादा गर्मी होगी तो क्या कोई कहेगा? यही कहेगा ना, किसी को गर्मी जब ज्यादा हो रही है तो आदमी का क्या अनुभव होगा कि भाई अब एक काम करो, एसी ही लगा लो अपने बॉडी पे, रख लो। तो वो एक ओके, फनी गाना था। कब तक रहेगा गुस्से में तू ए मोरी करेजा, आखिर किस बात पे आप इतना गुस्सा में थे? होता है कभी कभी इंसान खुद को मनाने के लिए कुछ ऐसी गलतियां कर देता है और गुस्से हो जाता है, या किसी की सामने वाले की चीजें अच्छी नहीं लगती है तो गुस्सा हो जाता है, तो अच्छा, नाराजगी आप है वो। गाने बनाते हैं, जब आप गाने बनाते हैं तो किसको दिमाग में रख के बनाते हैं? ऐसे सिचुएशन को, उस इंसान को। नहीं होता, जैसे गाने होता है नहीं, नहीं सुनिए, गाने ऐसे नहीं बनते हैं, उस स्क्रिप्ट के हिसाब से सिचुएशन आता है, उस सिचुएशन के हिसाब से गाने बनते हैं। कि अच्छा ओके फाइन, तो मैं अभी आपको डेयर का एक डेयर कर दो प्लीज। बहुत ज्यादा हो गया, अब पब्लिक बोर हो रही है। नहीं बोल रही है, बढ़ती जा रही है। एक हाँ, क्या है डेयर कर तो डेयर मतलब क्या होता है, मैं समझूंगा तब ना ये सब अंग्रेजी लो, खिस्सा। करो प्लीज। ओके ठीक है, बताओ। चलो पहले तो एक रोमांटिक सा गाना गा के सुनाना। रोमांटिक कौन सा? बहुत सारे गाने हैं। गाइए कोई अच्छा सा हमारे लिए और हमारे फैंस को वो डेडिकेट कौन देवता के गढ़ल सवारल हो, हमरे खातिर जमीन पे उतारल हो, तोहरे अखिया बकैले दीवाना ये जाना, बड़ू अनमोल कौनो खजाना, तोहरे जोड़ा ना दोसर जनाना ये जाना। ये गाना मेरे फेवरेट है। आपकी सबसे फेवरेट मूवी कौन सी है, जो आपको लगता है सबसे बेस्ट अभी तक की करियर में? कौन सी मूवी आपको लगती है फर्स्ट साजन चले ससुराल, मूवी? यस। तो दूसरा डेयर है आपको अपनी जीभ को ना या नाक में टच करना। जीव को सच हो आपको पांच अगली फेसेस बनाने, मतलब आड़े टेढ़े मुंह, अच्छे क्यूट से अच्छे, एक दो तीन पांच, स्माइली, वाह, डन डन। हाँ, ओके, लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि मत जाइए छोड़ के, लेकिन बोर नहीं, उनको बोर नहीं हो रहा, लेकिन आप थक चुके होंगे। मैं सोना है यार, मुझे
सॉरी यार, इनके जितने भी फैन है, मैं सबको दिल से प्रणाम। आप लोग ऐसे ही खुश रहिए, इनको ऐसे ही प्यार करते रहिए। आपको एक बात बताना चाहूंगी, मैं जब भी लाइव आती हूँ तो मुझे क्वेश्चन, मुझे लोग बोलते हैं कि प्लीज आप खेसारी जी के साथ लाइव आइए, तो वो एक खास बात थी आपके साथ लाइव आने के लिए, और हमारे फैंस चाहते थे कि हम दोनों साथ में देखें, तो उनके लिए, सो उनके लिए आज हमारे साथ लाइव है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। और मैं सबसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने परिवार का रक्षा करिए और इंडिया को जिताइए, अपने देश को जिताइए, अपने परिवार का रक्षा करके आर्मी बन के खुद को प्रेजेंट करिए। अभी यही स्थिति है कि घर में रह के स्टे होम होके और अपने जीवन को चलाना है। 2020 जीवन बचाने का टाइम है, तो इसको, इस जीवन को बचाइए और देश को सुरक्षित करिए। और मेरे जितने हाँ भी मेरे आज सही, 5 फौजी हमारे जो शहीद हुए हैं, मेरे तरफ से श्रद्धांजलि है उनको और पूरे देश की तरफ यस से, कि वो आज भी जिंदा है हमारे मन में, उनकी कुर्बानी खाली नहीं जा रही है। और हमारे देश की सेना ने जो कर दिखाया अभी अभी जो आतंकवादियों को मारा, उसके लिए सलूट है मैं, मेरे तरफ से। और जो अभी हादसा हुई है, मैं उनके लिए भी दुआ कर रहा हूँ कि जो विशाखापट्टनम में हादसा हुआ है, आपके फैन को, मैं अपने फैन को भी और पूरे हिंदुस्तान को मैं कहता हूँ कि आप सब दुआ करिए ताकि जो मौतें हुई है वो तो ठीक है, हो गया, बट अब ना हो और वो सुरक्षित रहें। और ईश्वर से यही दुआ है कि वो सुरक्षित रहें। हमारी ओके खट्टी मीठी बातें, हमारी खट्टी मीठी बातें कीजिए, कोई विश करिए। सॉरी, मैं एक्चुअली मैं बहुत खट्टी मीठी बातें करने वाला इंसान हूँ, बट वो घड़ी नहीं है, इसलिए घड़ी नहीं है क्योंकि विशाखापट्टनम में आज जो स्थिति हुई, काजल जी आप आप नहीं बताइए। समझ रहे, मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनिए एक बार, कि जो आज विशाखापट्टनम में हुआ, 2 दिन पहले जो कश्मीर में हुआ, और ये स्थितियां जो लोग हमारे देश के कई सारे बीमारियों से ग्रस्त हैं, इसलिए थोड़ा सा मायूस है मन, बाकी कोई नहीं। तो मैं मेरे जैसा फनी इंसान तो यही मायूसी खत्म करने के लिए हम लोग ऐसे ही फनी चीजें हम कुछ करेंगे ताकि सब लोग खुश रहें अपने अपने चलिए, मैं अगर यहाँ। हाँ, तो मैं जितना करना था मैंने कर दिया, जितना दिल गवाही दिया उतना मैंने किया। और आप खुश रहिए। राजधानी पकड़ चल रहे मुझे मुझे खाना नहीं खाया हूं मैं। हो। हाँ तो आप खा लीजिएगा, रोज तो खाते हो, घर में बैठ बैठ के और क्या काम करना है। आप जल्दी खा लेते हैं इसीलिए तो मोटी हो रही है, देखिए खुद को। क्या करें, तो जब मैं वर्कआउट करिए, टाइम से कम हमारे खाइए। फैन है वो बोल रहे हैं कि गाना गा दीजिए। सही है, नहीं करनी है। जरत जवनिया के यहरा हो, लागत निकल जाई बहरा हो, समय नहीं झोरा में सुन सैया हो, सुतल तनिक कोरा थैंक यू में। सो मच, थैंक यू हमारे थैंक यू साथ थैंक यू बाय बाय। जुड़ने ऑल ऑल जितने लोग जुड़े हैं इनके इंस्टाग्राम पे, उनको दिल से प्रणाम। थैंक यू कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया, लव यू ऑल। आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने देश को बचाइए और खुद को बचाइए। बोलो ऑल द बेस्ट। क्या क्या, बोलो, हमारा शो देखते रहिए, और हमारा शो देखते रहिए, लव यू, बाय बाय। हमारा हमारा मेरा। और हाँ, काजल जी का शो देखते रहिए और इनके इंस्टाग्राम को फॉलो करिए, आप इनको लाइक करिए और इनको ढेर सारा प्यार देते रहिए। मेरा भी इंस्टाग्राम है, मेरा भी थैंक इंस्टाग्राम है, उस पे भी आप लोग, मैं भी उस पे लाइव आता रहूंगा, लेकिन मैं क्योंकि फेसबुक पे आता हूँ, इंस्टा पे कभी आया नहीं, लेकिन मैं अपने इंस्टा पे भी आऊंगा। बट आप लोग उसको जरूर फॉलो करिए और जुड़ने की कोशिश करिए और प्यार देते रहिए। लव यू ऑल, बाय आप बाय। प्रॉमिस करिए आप नेक्स्ट टाइम जरूर आएंगे हमारे साथ ठीक है, वापस। जरूर जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। ओके, बाय बाय बाय, टेक केयर। बाय बाय। आप एंड कर। ओके सो हमारा शो खट्टी मीठी बातें में हमारे फर्स्ट गेस्ट थे खेसारी जी, सो जो कि बहुत फन हुआ उनके साथ, बहुत मस्ती की हमने, और बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए उनको। आई होप कि आप सब सेटिस्फाई होंगे एंड आप सबको बहुत अच्छा लगा, आप सबने एंजॉय किया। सो थैंक यू सो मच गाइस जुड़ने के लिए, मेरे दोस्त, मेरे सारे दोस्तों को थैंक यू सो मच तहे दिल से। आई होप कि आप सबने बहुत फन किया हो और बहुत आपको अच्छा लगा हो।
सो नेक्स्ट टाइम आप मुझे बताइए कि आप किसके साथ लाइव देखना चाहते हैं, और अपने क्वेश्चंस भी मुझे बताइए. एंड थैंक यू सो मच. आई एम रिंकू सिंह, रिंकू जी, थैंक यू सो मच. एंड मैनेज बाय रिंकू सिंह एंड आंचल. सो थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी. एंड हम तीनों ने मिलकर ये क्वेश्चंस बनाए हैं. एक्चुअली ये क्वेश्चंस तो मेरे ही थे लेकिन जो भी हमारे और आगे होंगे तो हम सब मिलके क्वेश्चंस बनाएंगे और आप तक हर चीज पहुंचाएंगे, कि सब लोग की कुछ कुछ चीजें जो आप सब नहीं जानते हैं वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे. लव यू सो मच, थैंक यू सो मच. एंड बस देखते रहिए खट्टी मीठी बातें विद काजल राघवानी. लव यू गाइस, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, घर पे रहिए और लॉकडाउन का पालन करिए. और थैंक यू सो मच, लव यू, प्रणाम.